अगर आपकी कांवड़ यात्रा पर है दुकान, तो आप हिंदू हैं या मुसलमान, बतानी होगी आपको आपकी पहचान। जी हाँ, दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाकर अपना नाम लिखना होगा। योगी सरकार ने एक ऐसा ही नया फरमान जारी किया है, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कोई इसे धर्म के एंगल से देख रहा है, तो कोई इसे बढ़िया काम बता रहा है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। पूरी कहानी की शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर से। यहाँ जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कहा कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकान के मालिकों को अपना नाम लिखकर बाहर टांगना होगा। जिला प्रशासन के इस आदेश पर बवाल मचा, तमाम राजनीतिक दलों ने विरोध किया। इस निर्णय को छुआछूत बढ़ाने वाले फैसले के तौर पर कई लोगों ने देखा, लेकिन योगी सरकार को मुजफ्फरनगर के डीएम का ये आदेश बढ़िया लगा और उन्होंने पूरे प्रदेश में ही इसे लागू कर दिया, जिसके अनुसार कांवड़ रूट पर जो भी दुकान होंगे, चाहे फल की हो, चाय की हो, खाने पीने की किसी भी चीज़ की हो, तो आपको अपना नाम लिखकर दुकान के बाहर टांगना होगा, अगर आप उस दुकान के मालिक हैं तो। सीएमओ की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों के आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। इससे पहले कांवड़ यात्रा पर स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल पर संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वो आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल और अपने ढाबे के नाम रखे हैं, इससे कांवड़िया जो है कांवड़िया भ्रमित हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी इसी चेतावनी का असर है कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी किया और फिर अब योगी सरकार ने पूरे कांवड़ रूट पर ये लागू कर दिया है। अब इस निर्णय पर राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा की सहयोगी पार्टी है जेडीयू, वो भी भाजपा के साथ नहीं है। सुनिए क्या कहा केसी त्यागी ने। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर ऐसे आदेश का विरोध किया। देखिए उन्होंने क्या लिखा। वही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव रोकने के लिए ही ऐसा किया गया है। ये बयान सुनिए। डीआईजी सहारनपुर एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस एडवाइजरी को जारी करके कहा है कि कांवड़ यात्रा जिन जिन रास्तों से बड़ी तादाद में गुजरती है, वहां के दुकानदार, मकानदार और ठेले वाले, ये सब लोग अपना नाम का बोर्ड लगाएं। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लाइन आर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है, इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, कहीं पर छोटा छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके। कई लोगों का आरोप है कि योगी सरकार का ये निर्णय संविधान के खिलाफ है। ये आर्टिकल 17, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 17 छुआछूत, आर्टिकल 19 जीवन यापन और आर्टिकल 21 जीने के अधिकार से संबंधित है। इस पर ओवैसी का क्या कहना है, आपको ये भी सुनना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तो सावन से पहले कांवड़ रूट पर दुकान को लेकर राजनीतिक घमासान मचा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या ये निर्णय ठीक है, क्या ये संविधान का उल्लंघन करता है या आपको ठीक लगता है, इस पर आप अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.